हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रोथर, रोथर जेलिस इज माय नेम। डीडी काउंसलिंग में सबसे जरूरी है पहले आप अपनी प्रोफाइल का एनालिसिस करो, मतलब अपनी प्रोफाइल को समझो कि तुम क्या हो। तुम क्या हो मतलब तुम्हारी रैंक क्या है, तुम किस कैटेगरी में आते हो, तुम्हारी सब कैटेगरी क्या है। अगर तुम यहां पर एक फीमेल हो तो ये एक कैटेगरी है, अगर तुम फीमेल में ओबीएस हो ये तुम्हारी दूसरी कैटेगरी है, राइट। सो अगर तुम यहां फीमेल ओबीसी हो, फ्रीडम फाइटर भी हो, तो ये कितनी तरह की कैटेगरी होगी, तीन कैटेगरी होगी ना भाई। तो आपको पहले समझना है कि कैटेगरी पे सब कैटेगरी पे सब कैटेगरी, ऐसे भी केसेस होते हैं, उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग होती है। ये लड़की जो है यहां पर देखिए 4,44,000 रैंक है इसकी, राइट, एससी कैटेगरी की है, राइट। अब इसकी अगर 4,44,000 रैंक है एससी कैटेगरी की है, तो पहले क्या है, एक तो फीमेल है पहली कैटेगरी हो गई, दूसरा क्या है एससी कैटेगरी की हो गई। अब अगर बात करें फर्स्ट राउंड में, तो इसका कट ऑफ कितना गया था ओपनिंग, डीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके कट ऑफ देख सकते हो। ये चूंकि मैंने काउंसलिंग की थी इसलिए मुझे याद है, और ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, राइट। अब चूंकि मैंने ही सारी चीजें की है, उसको गाइड से लेके सारी चीजें मैंने बताई है, तो अब देखिए यहां पर क्लोजिंग रैंक कितनी गई थी, 3,15,000। ये मैंने आंकड़ा डीटी की काउंसलिंग से उठाया, अपनी मनगढ़ंत नहीं बनाया यहां पर। लेकिन अपग्रेड में जो क्लोजिंग यहां पर हुई थी 3,15,000 में, अपग्रेड में इसकी रैंक पर क्लोज हुई, किसकी रैंक पर, इस लड़की की रैंक पर। इस लड़की की रैंक कितनी थी, 444921, तो यहां पर क्लोजिंग कितनी हुई, 444921। मतलब यहां पर साफ है कि इस लड़की को यहां पर कॉलेज मिल गया, और लास्ट यही थी इस रैंक वाली जिसको ये कॉलेजेस मिला है। तो अब आप देखिए रैंक तो यहां पर 3,50,000 में भी नहीं मिल रहा था लोगों को, राइट, यहां तक कैसे चली गई, 1,50,000 ज्यादा होने के बाद मिल गया। तो आपको जब चॉइस फिलिंग करोगे तब आपको कुछ चीजों का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। मैंने डीटी में भी बताया था, इससे पहली वाली वीडियो मैंने बताई है कि वहां पर सीट चार्ट होता है, उसको आप देखें। दूसरा है जब आप चॉइस फिलिंग करें, राइट, सबसे पहले मैं इसकी रैंक आ जाता हूँ, ये रोल नंबर है, रोल नंबर जैसे डीटीई के उस पे जाएंगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, राइट। और आप अगर चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको कौन सी ब्रांच मिली है, राइट, पहले क्या थी और फिर क्या हुई। सो अगर हम बात करें पहले इसकी ईआई, राइट, बाद में इसकी आईटी, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ईशा वर्मा, इसकी रैंक की अगर हम बात करते हैं, चलिए रैंक अगर हम देख लेते हैं तो रैंक कितनी है, ये देखिए 44,000 CRL में, कितनी है 44,000 बोल रहा हूँ, सॉरी 4,44,921। सो ये एक पर्टिकुलर इनका स्कोर कार्ड है, एससी का है। अब आपको यही अपना पहले समझना है कि आप किस कैटेगरी को, रैंक आपको एससी की नहीं लेनी, रैंक आपको ईडब्ल्यूएस की नहीं लेनी, रैंक आपको यहां पर किसी ओबीसी की नहीं लेनी, राइट। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इसको देखने के बाद। अब अगर हम बात करते हैं, राइट, कई बार लोग क्या करते हैं कि यहां पर उन्होंने फर्स्ट राउंड में किया, फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड किया, अपग्रेड के बाद इंटरनल चेंज भी कर देते हैं, या मान लीजिए आपने कोई कॉलेजेस ले लिया और इंटरनली उस ब्रांच को चेंज कर दिया। तो आप इंटरनली अगर ब्रांच को चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो ब्रांच से एक्स वाई जेड ब्रांच हो जाएगी, राइट, इंटरनली में ऐसा नहीं होता है। बल्कि इंटरनली के भरोसे अगर आप गए तो आप उलझ भी जाओगे। तो आपको पहले समझना होगा कि कहां से कहां तक हम जा सकते हैं। हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, एक क्राइटेरिया होता है। भाई अगर मुझे यहां पर 6 बॉलों में 30 रन चाहिए, 36 रन चाहिए तो मैं बना सकता हूं, लेकिन 6 बॉलों में अगर मुझे 50 रन चाहिए और फिर भी तुम उम्मीद लगा के रखे हो बन जाएगा, तो कॉन्फिडेंस इज गुड बट ये कहलाता है बेवकूफी, राइट। तो 6 बॉलों में 50 रन पॉसिबल नहीं है, राइट। इसी तरीके से हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि जब भी बच्चे इंटरनली जाए, राइट, तो आपको देखना होगा कि रैंक आपकी क्या है, कौन सी ब्रांच ले रहे हो। अगर आपकी 4,00,000 रैंक है और आप सोच रहे हो मैं यहां से यहां जंप कर दूंगा, ना बाबा, ये बहुत जरूरी है कैलकुलेशन। तो आप सीट मैट्रिक देखो, पहले अपनी कैटेगरी देखो, रैंक देखो, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है, और उसके हिसाब से फिर आप एक चूज कर सकते हैं। सो आई होप यहां पर आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कि कैसे इसकी एक क्लोजिंग रैंक वहां पर आई, इसको मिली। अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे, राइट, जागरूक होंगे, समझदार बनेंगे, तो एक अच्छा कॉलेज अभी
भी आप ले सकते हैं। रैंक सेंक तो आ गई, अब तुम उसको बदल नहीं सकते हो। मान लीजिए तो तुमने एग्जाम में गलती कर दी, तुम्हारी अच्छी रैंक आ सकती थी, लेकिन जो भी है वो तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी, उसके साथ कैसे बेटर कर सकते हो। और इसीलिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है डीटी का, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज कवर की है। 150 प्लस वीडियो डाल रहा हूँ, नई नई लाइव भी आऊंगा और सारी चीजें उसमें अपडेट करूंगा, तो उसको जरूर देखना, राइट। और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर 20 से 25 लोगों की मैं 1-to-1 काउंसलिंग भी कर दूं, राइट। पेड टाइप की काउंसलिंग होगी, बट वो जिसमें हम पूरा गाइडेंस करेंगे, उनके साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करेंगे, राइट। सो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने वो लिंक डाल दी है, कोर्स वगैरह तुम देखने चाहते हो वहीं पर मैंने एक डेडिकेटेड नंबर भी डाल दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।